हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी अः यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ यहाँ पर यूट्यूब में पहली बार ओके okay, uh, आईपीओ मिले या ना मिले लिस्टिंग के बाद पैसा होगा डबल तो इससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो डाली थी तो इसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे और हम जानेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है जो कि लगभग लगभग लग तक पहुंच चुके हैं और कुछ अगर स्टॉक्स है जो अभी तक भागे नहीं है वो थोड़े से यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं हमें एग्जैक्टली exactly करना क्या है उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे और हम उन पांच न्यू लिस्टिंग से रिलेटेड बातें करेंगे और जानेंगे कि आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे चाहूंगा कि आप हमारे चैनल तो आप कमेंट भी कर सकते हैं बाकी अगर हम बात करें प्लेलिस्ट है, प्ले है, है। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा और अगर टीम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है वहाँ भी नीचे लिंक मिलेगा क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट बाकी अगर बात करें आज की डेट में दो वीडियो आई है दो महीने पहले एक शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई थी वहां पर लोगों ने क्रिटिसाइज किया था और आज की डेट में हम देखें

तो देखिए सबसे पहले इस वीडियो में हमने बातें करी थी यहाँ पर अगर हम नीचे तो इस वीडियो में हमने बातें करी थी किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को लिस्ट होने के बाद अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो ऐसे ही स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न पे आपको दिखाना चाहता हूँ देखिए यहाँ पर

नजर आए यहां पर से यहां पर अगर देखें तो एटी एट परसेंट के रिटर्न आज की डेट में यहाँ पर ये कंपनी देती हुई आई है आप कहेंगे कि यहाँ पर किसने खरीदा तो मैंने खरीदा था यहाँ पर ओके तीन सौ छः रुपये के आसपास मैंने यहाँ पर शेयर खरीदा था तीन चार सौ बीस रुपए के आसपास यहाँ पर मैंने बेच दिया था उसके बाद मैंने दोबारा ये शेयर चार सौ रुपए के आसपास खरीदा था और यहाँ पर आज की डेट में मैंने होल्ड कर रखा है क्यों क्योंकि यहाँ पर यह शेयर और भागता हुआ नजर आएगा यहाँ पर ये छे सौ प्लस भी यहाँ पर अगले क्वार्टर के रिजल्ट से पहले छे सौ प्लस प्लस में यहाँ पर और भी जो बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा और क्यों देना है इसकी तरफ ध्यान उससे रिलेटेड पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले ये आपको पता ही है कितना बेहतरीन स्टॉक्स है बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी कंपनीज को ये ऑटो एंसिलरीज के पार्ट्स यहाँ पर देता हुआ नजर आता है डेट फ्री लगभग कंपनी है ट्वेंटी का डेट है कोई शेयर प्लेस नहीं है एटीन का आर है पी रेशो ज्यादा है नो डाउट बट अगर बात करें उसी तरीके के रिजल्ट भी आए हैं बात करें पिछले दो क्वार्टर के हाईएस्ट एवर रिजल्ट है सेल्स ईयरली और बात करें नेट प्रॉफिट वो भी हाईएस्ट एवर है पिछले दो क्वार्टर का इसके अलावा बात करें सेल्स की तो यहाँ पर देखिए सेल्स कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है इस बार की सेल्स हाईएस्ट एवर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है 16 करोड़ रुपए का घाटा था यहाँ पर 2016 में आज के पांच साल हो गए पांच साल में कंपनी एक करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी हुई है रिजर्व देखिए वो बेहतरीन है यहाँ पर दे रखा है बाकी बोराइंग कंपनी के पास यहाँ पर कम करती हुई नजर आई है बाकी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पॉजिटिव दिखाई देगी हमने इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाई भी है आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग और अगर नहीं बनाई होगी तो बना देंगे यहाँ पर देखिए एफ आई ज और पब्लिक के पास ना के बराबर शेयर है तो ऑपरेटर ऐसे ही शेयर को पकड़ते और भगाते हैं तो नंबर वन स्टॉक्स ये था दूसरा स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं भागा नहीं है गिर रहा है बट यहाँ पर एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अभी आया है ये शेयर यहाँ पर देख लीजिए करंट प्राइस सोलह सौ सो दो रुपये है बुक वैल्यू पचास रुपए के आसपास की है आर ओ सी सिक्सटी परसेंट है बहुत बेहतरीन आर ओ सी होती है पी रेशो एटी फाइव है मार्केट कैप यहाँ पर मिड कैप नज़र आ रहा है सेवनटीन थाउजेंड करोड़ सेवनटीन थाउजेंड करोड़ रुपीज का मार्केट कैप है डेट फ्री कंपनी है आपको पता ही है किससे रिलेटेड कंपनी काम करती हुई नजर आई है और इससे रिलेटेड अलग वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे कंप्लीटली बट अगर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ देखिए Thank <laughs> you. यहाँ पर कंपनी का जो इस बार का रिजल्ट है हाईएस्ट एवर सेल्स और कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर कंसिस्टेंसी के साथ इली बेसिस पे बात करें, 2016 से 2020 21 uh, की पांच साल के अंदर एक सौ चालीस करोड़ की साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाइएस्ट एवर कंसिस्टेंसी के साथ नेट प्रॉफिट हाइएस्ट एवर कंसिस्टेंसी के साथ, साथ, साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सत्ताईस करोड़ का प्रॉफिट लगभग दो करोड़ के प्रॉफिट में चेंज हो गया है रिजर्व बेहतरीन है कंपनी डेट फ्री है फिक्स एसेट यहाँ पर कंपनी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मतलब कंपनी परफॉर्म कर रही है वर्किंग प्रोग्रेस में पचपन करोड़ रुपए है यहां पर कैश फ्लो पॉजिटिव है अच्छा खासा आर है प्रोमोटर्स की होल्डिंग 94 परसेंट की और आ, यहाँ पर एक ओ आएगा तीन साल के अंदर अंदर इस बात को भी याद रखिएगा बट ओ से पहले शेयर भाग लेगा और बात करें यहाँ पर एक चीज तो यहाँ पर देखिए पब्लिक के पास केवल चार की हिस्सेदारी है और चार पाँच की और पाँच में से चार परसेंट पर ले रखा है तो आप समझ रहे हैं कितने परसेंट की शेयर है केवल नहा के बराबर शेयर है यहाँ पर अगर मैं आपको तो टोटल बताऊं तो पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट के शेयर यहाँ पर नजर आते हैं If आई एम नॉट रॉन्ग हाँ पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट के शेयर है और जब भी ऑपरेटर चाहे इस शेयर को हिला सकता है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट के शेयर लगभग अगर मार्केट कैप से बात करे तो 1700 करोड़ से थोड़ा कम हो जाता है लगभग हज़ार करोड़ के आसपास समझ लीजिए को दो तीन ऑपरेटर मिलके अगर काम करें तो यहाँ पर भगा सकते हैं यहाँ पर इस शेयर की तरफ ध्यान दीजिएगा ये शेयर कंटिन्यूसली रिजल्ट के बाद भी यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है कभी भी भाग लेगा अभी यहाँ पर बात करें तो लगभग लगभग लग कितना परसेंट पर ये शेयर गिर चुका है तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे लूंगा मैं इसे यहाँ पर अगर हम देखें करेंट प्राइस से और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे बढ़ाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए लगभग सेवनटीन परसेंट तो यहाँ से गिर चुका है अपने और एक एक महीना भी इसे कंपनी को हुआ नहीं है एक महीना उन्नीस तारीख को होगा उसके बाद शायद एंकल इन्वेस्टर या जो भी होते हैं एक एक महीने के लिए उनके शेयर फिक्स रहते हैं तो जब निकलना चाहेंगे तब तो उसके बाद ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा इस बात को याद रखिएगा कंपनी बेहतरीन है शेयर बेहतरीन है गिरता हुआ नज़र आ रहा है हाइएस्ट अवर रिवेन्यू वो सब चीज़ दे रहा है तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसकी तरफ इसके अलावा बात बताना चाहता हूँ एक और शेयर से रिलेटेड तो यहाँ पर अभी न्यू लिस्टिंग है वो भी अगर हम बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी रिजल्ट आए थे इसके आपको पता ही है नंबर वन कंपनी है कुछ दिन पहले ही यहाँ पर वीडियो बनाया था और आपको बताया था कि शेयर की तरफ ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक तो यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाया गया था यहाँ पर देखिए दो वीक पहले ही यहाँ पर बता, बताया था जूविलियंट इंग्रीविया की तरह ये शेयर भागेगा इससे पहले भी यहाँ पर काफी बार इससे रिलेटेड हमने चर्चा करी है आ, तो हम बात कर रहे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की तो यहाँ पर बेहतरीन शेयर है इससे रिलेटेड जो लिंक है वो ऊपर दे दूंगा आपको पता चल जाएगी बी बीस का आर है कंपनी फिफ्टी के पी पे ट्रेड कर रही है फोर्टीन के का यहाँ पर डेट है ना के बराबर हाइएस्ट एवर रिवेन्यू हाईस्ट एवर नेट प्रॉफिट ओके कंसिस्टेंसी का मतलब पिछले अगर बात करें यहाँ पर

कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को एक्सपेंड कर रही है अभी भी एक सौ अड़तालीस रुपए वर्किंग प्रोग्रेस में और जब ये एक सौ अड़तालीस होंगे ना तब तो आप समझिएगा कितने पैसे आपके कमते हुए नज़र आते हैं बाकी आर बेहतरीन है और यहाँ पर भी बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी खासी है एफ आई एस यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं और बात करें यहाँ पर पब्लिक की तो 18 परसेंट की होल्डिंग है बट 18 में से भी दो तीन चार यहाँ पर घटाया जाए तो लगभग फोर्टीन परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास नज़र आती है तो थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा इसके रिजल्ट अच्छे हैं आज के दिन ये शेयर भागता हुआ नज़र आया बट यहाँ पर मार्केट में प्रेशर था तो यहाँ पर लोगों ने सेल कर दिया तो यहाँ पर कल के प्राइस के आसपास यहाँ पर बंद होता हुआ नज़र आया

इवन इफ यहाँ पर स्टॉक्स के रिजल्ट काफी बेहतरीन आए हैं बट यहां पर अगर बात करें स्मॉल कैप मिड कैप अपने यहाँ पर गिरावट है तो ये इसके शेयर में और ज्यादा गिरावट नजर आ रही है यहां पर बहुत बेहतरीन इसका फ्यूचर है लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने रख लिया तो ये आपको करोड़पति बना देगा आपके एक लाख रुपए को शायद ये उसी आ, आ, दीपक नाइट्रेट और विनती ऑर्गेनिक इन कंपनियों की तरह आपको मल्टी बैगर रिटर्न देता हुआ नजर आए आर ओ सी है डेट फ्री कंपनी है तो अगर दस साल का ऑराइजन है ना तो रख लीजिए इसे और दस साल का ओरइजन नहीं है शॉर्ट टर्म का भी है तो भी

पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास कितने परसेंट की होल्डिंग है थर्टी वन परसेंट में से तो ट्वेंटी वन परसेंट तो इन्होंने ही ले रखी है थ्री परसेंट इन्होंने ले रखी है तो लगभग थ्री थ्री सिक्स और एट और यहाँ पर लगभग मतलब दो परसेंट की हिस्सेदारी लगभग लगभग बची हुई है तो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है आप खुद देखिएगा इसी तरीके से पहले ही आपको बता दिया लक्ष्मी अगर हम बात करें इसी से रिलेटेड तो यहाँ पर देख लीजिए इंडियन पेस्टिसाइड यहाँ पर बात करें अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है मुझे तो यहाँ पर लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी तब

पर आपको बता देता हूँ श्याम मेटालिक वन ऑफ द गुड स्टॉक्स मार्केट कैप स्मॉल कैप है 26 के परसेंटी है डेट फ्री के लगभग कंपनी है कोई शेयर प्लेस नहीं है और अगर हम बात करें आज की डेट की तो आज शेयर लगभग चार सौ के आसपास यहाँ पर दिख रहा था सेल्स की बात करें कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर क्वार्टरली यहाँ पर सेल्स बढ़ती हुई नजर आ रही है नेट प्रॉफिट 80 करोड़ का प्रॉफिट कितने पांच क्वार्टर के अंदर अंदर कितने में तब्दील हो गया है पाँच सौ लगभग साढ़े चार सौ करोड़ में ये ये ग्रोथ कहते हैं इसे ग्रोथ कहते हैं यहाँ पर देखिए सेल्स यहाँ पर ईयरली बेसिस पे सेल्स देखेंगे पिछले चार साल की तो यहाँ पर देखिए कंपनी दुगनी होती हुई नजर आ रही है ऑपरेट नेट प्रॉफिट देखेंगे प्रॉफिट दुगना होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ बोराइंग यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है रिजर्व यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वर्किंग प्रोग्रेस में पाँच करोड़ रुपए लगे हुए हैं जब ये पाँच सौ छः अठारह सौ में तेरह सौ करोड़ में जब ये तेईस सौ करोड़ हो जाएगा ओके ये अठारह सौ करोड़ तो आपको पता चलेगी यहाँ पर जो सब चीजें ये सब चीज़ धीरे धीरे यहाँ

ओके okay, इसी लेवल पर हमने यहाँ पर आसपास से बाइंग करी थी ओके okay, फिर इसके बाद तो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ रहा है अच्छी बात है मैं चाहता हूँ कि ये शेयर दोबारा इस लेवल पर आ जाए तो मैं इसे और ज्यादा बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हुआ नजर आऊंगा थोड़ी सी और गिरावट हो जाए जो शायद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती क्योंकि मेटल के स्टॉक एक दो साल और भागने वाले हैं जैसे कि बड़े बड़े लोग कह रहे हैं तो यहाँ पर ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न देखी जाएगी यहाँ पर भी छह से एक साल रख लीजिए पैसा डबल होता हुआ एटलीस्ट मुझे नजर आ रहा है तो मैं इसे हर एक डिप्स पर अपने बाइक बाइंग कर रहा हूँ मैंने आ, कुछ दिन कल भी बाइंग करी थी यहाँ पर गिरा था बट आज के दिन में और गिर गया तो अभी थोड़ा वेट करूंगा और गिरता है तो फिर दोबारा बाइंग करूंगा बाकी वीडियो में यहाँ पर पांच स्टॉक से रिलेटेड बातें करी है सोना ज वेल एज क्लीन साइंस एज वेल एज लक्ष्मी ऑर्गेनिक एज वेल एज आई पी एल और श्याम मेटाली पांच आई पी ओ न्यू लिस्टिंग है आपको बता दिया है इन शेयरों में एक ने पैसा लगभग लग लग डबल करके दिखा दिया है एटी एट परसेंट पर वो स्टॉक दोबारा भागेगा और इन स्टॉक्स पर भी नजर बनाइएगा बाकी बाइंग सालने की रिकमेंडेशन है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए यहां पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इन दूसरी वीडियोज को जरूर देखिए यहाँ पर भी आपके पास पैसा बनता हुआ नजर आएगा और अगर कोई स्टॉक्स आप में फंसे हुए हैं इस वीडियो को देख के आप अपने स्टॉक की एनालिसिस करिए और अब बेकार है निकाल दीजिए अभी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है तो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस